ओह माय गॉड, लखनऊ इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है जब से मैंने कॉलेज छोड़ा था, और अभी बहुत ज़्यादा इतने अच्छे मॉल्स आ गए हैं यहाँ पे। एक मोमेंट पे मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था मैं लखनऊ में हूँ, मुझे लग रहा था मैं दिल्ली में ही हूँ। जैसे दिल्ली में वेगस मॉल है ना, सेम वैसे ही वाली फील आ रही थी। एंड फिलहाल खुशी हो रही थी दीक्षा से मिलने की, मैंने दीक्षा को पहले यहाँ बुलाया था कि यहाँ मिलते हैं, यहाँ से घर चलेंगे। बेसिकली मेरा लखनऊ जाने हुआ था क्योंकि दीक्षा के हॉस्पिटल इकाना हॉस्पिटल में हमारा फेशियल एस्थेटिक्स के ऊपर वर्कशॉप था, और बेस्ट टाइम इसलिए था क्योंकि दीक्षा का बर्थडे भी आसपास ही था, तो एक साथ दो काम हो जाते इसलिए। बट राइट नाउ तो आप ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा मॉल लग रहा है। एंड जब मैं कॉलेज में थी तब नहीं थे इतने अच्छे मॉल, अभी काफ़ी अच्छे मॉल हो गए हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ दीक्षा के लिए, मैं जस्ट मॉल में इधर उधर घूमे जा रहे थे कि जब तक वो आती है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेते हैं। और जब ये पता चल गया था ना कि आने वाली है तब एक्साइटमेंट नहीं रुक रही थी। मीनवाइल आप सब भी इंजॉय करो मॉल को, बहुत सुंदर मॉल था। लखनऊ चेंज हो गया है जब मैं पढ़ती थी, और अभी से बहुत सारी चीज़ न्यू आ गई हैं। एंड समहाउ आई एम फीलिंग लाइक दिल्ली ओनली, सो दैट्स अ गुड थिंग, थैंक यू, मज़ा है। और जिस मॉल में मैं घूम रही हूँ ये मुझे अपना सेम वेगस मॉल वाली ही फील दे रही है जैसे हमें वेगस में आता है ना, ऑलमोस्ट सेम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इधर उधर उधर बहुत जगह घूम चुकी हूँ कि दीक्षा को क्या गिफ्ट करूँ। एक तो है फुटवेयर्स मेरे पास, मतलब लिए थे मैंने, खरीदे थे, वो बहुत अच्छे हैं, एक मैंने कि वो दूँ। बट सर फुटवेयर नहीं, उसके साथ और कुछ भी, केक का भी मतलब, बट केक तो सब देते हैं ना, मतलब केक तो बहुत सारा हो जाता है, तो उसके अलावा मैं सोच रही हूँ क्या दूँ। सो खोज जा रही है, अलग अलग जगह जा चुके हैं, सब जगह मतलब सिमिलर वही कुर्तीज़, वही टी शर्ट। सोच रहा मिनीसो जाते हो, मिनीसो में कुछ अच्छा मिल जाए। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बहन होने का यही होता है, ये जंप सूट एकता ने ख़रीदा था और मैंने यहाँ आने से पहले मार लिया, ले लिया उससे। एंड एक चीज़ और अच्छी लखनऊ आते मुझे जिनको भी नहीं पता मैं बता देती हूँ कि यस मैंने कथक भी सीखा हुआ है, मैंने लखनऊ को रिप्रेजेंट किया था कॉलेज डेज में। सो दीक्षा पहुँचने वाली है यहाँ पे, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर। मतलब यकीन नहीं करोगे मेरी स्माइल नहीं रुक रही है, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, मैं तब से ना खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर किसी से ऐसा हो रहा है कि आई कॉन्टैक्ट हो रही है एंड लाइक कि वाई शी स्माइलिंग, मैं इतनी बड़ी स्माइल लेके पूरे मॉल में घूम रही हूँ, और जस्ट मुझे ऐसा लगे मिल जाए। और पूरा नॉस्टैल्जिया भाई, कॉलेज वो जब रुकते थे एक दूसरे के घर, मतलब मैं उसके घर डेफिनेटली उसके वो यहाँ रहते थे, सारा टाइम वापस पूरा याद आ रहा है। बहुत 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 अच्छी फीलिंग आ रही है, और बहुत टाइम बाद दीक्षा का बर्थडे हम साथ में मनाएंगे, सो सुपर एक्साइटेड। दिखाती हूँ मैं जब दीक्षा मिली है तब। और जब कभी ऐसा हो ना कि आप किसी का वेट करो तो आपको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, उससे मुझे बस 5 मिनट पहले कॉल किया है कि जिस मैं पहुँच गई थी, मैं इतनी देर से मॉल घूम रही थी, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मुझे सब बढ़िया लग रहा था, एंड द मोमेंट शी कॉल्ड मी कि बस मैं पहुँच गई, अब मुझे बस लग रहा है बस आ जाए, वेट ही नहीं हो रहा हर दूसरे बंदे को, दीक्षा को रही है। और चीज़ जिन भी लोगों को लगता है कि गर्ल्स अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, दीक्षा जब मैंने लखनऊ में कॉलेज ज्वाइन किया था पहली बंदी थी जो मेरी दोस्त बनी थी। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी उससे बात हुई थी तो मैंने उसके हाई आई एम दीप्ति आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड शी वॉज लाइक कि आई एम दीक्षा फ्रॉम लखनऊ ओनली। तब हम दोस्त बने थे, नाउ इट्स बीन 5 ईयर्स तो मेरे क्लिनिक को हो गए हैं, और 5 ईयर्स से ज़्यादा कॉलेज कितना है, काफ़ी टाइम हो गया, कितना ऑलमोस्ट 12-13 साल तो हो गए हमारे दोस्ती को। तो
मतलब इतने साल हो गए टच वुड कोई इश्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये मिथ है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि लड़कियां अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, या तो उन्होंने उनकी लाइफ में उन्हें अच्छी दोस्त नहीं मिली, उनकी लाइफ में उन्हें अच्छी लड़कियां नहीं मिली, बिकॉज बाय गॉड ग्रेस मेरी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। लड़कियाँ लड़के सारे ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बट फीमेल फ्रेंडशिप को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, बीट दीक्षा, आंचल, मनी, एनीवन। बट या एक से बढ़कर एक इंसान, मतलब ऐसा मुझे पता है कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑन अ स्नैप ऑफ फिंगर वो लोग होंगे। सो देखते हैं दीक्षा कितना वेट करवाएगी। और यहाँ ना शायद लोगों को आदत नहीं है व्लॉगिंग बताए से देखने की, मैं खुद से बात कर रहा हूँ तो पीपल लोग ऐसा देख रहे हैं इसको क्या हो गया यार, ऐसे वाली फील आ रही है। आजकल मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ती हूँ उसके पड़ जाती हूँ, मैं व्लॉग्स के पीछे पड़ी हूँ तो व्लॉग्स बनाते रहते हैं। दीक्षा से मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी थी कि दीक्षा की जब आई हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया और अभी मैंने एब्रप्टली स्टार्ट कर दिया दीक्षा के, ए रुक ए हाय दीक्षा, ये दीक्षा जिसकी तब से हो रही थी दीक्षा 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 दीक्षा, ये दीक्षा दीक्षा हेलो, ये कल हो जाएगी 16 साल की गाइस, कल ये 16 साल की हो रही, कल इसका बर्थडे है, तो हम आज से ही सेलिब्रेशन शुरू कर दे रहे हैं। अब हम कर रहे हैं अपनी बातें, नॉट चुगली, बातें। मिलते हैं। बाकी जिनको नहीं पता है उनको मैं फिर से बता दूँ, आपके घर में किसी को कोई भी बीमारी हो सारे इलाज है हमारे पास, पूरा का पूरा हॉस्पिटल है हमारे पास। ठीक है, तो जिसको भी कुछ हो, जिसके परिवार में किसी को कुछ हो, और जो लखनऊ वाले लोग हैं सबको यहाँ आना है, मतलब समझ लो डायरेक्ट डायरेक्टर लेवल पे बातचीत है, नीचे तो हम बात ही नहीं करते हैं, साथ में तो घूमते रिच पीपल। चलो बाय, हम खाना खा रहे हैं।